बांसगांव थाना क्षेत्र के बसौली खुर्द में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को काबू में लेते हुए स्थानीय पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बसौली खुर्द गांव में खूंटा गाड़ने को लेकर दो जाति के लोगों में आपस में विवाद हो गया। SP साउथ ने बताया कि जिस जमीन पर बेलदार जाति के लोग खूंटा गाड़ रहे थे, उस जमीन को गाँव के ही दलित बस्ती के लोग उसे अपना जमीन बता रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों जाति के लोगों में विवाद हो गया और बेलदार समाज के लोग उग्र हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस पर आक्रोशित हो गए, जिस पर पुलिस ने स्थिति को काबू करते हुए दोषियों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, हाँ सर, पूरी घटना क्या हुई है जो बांसगांव थाने में जो घटी? थाना बांसगांव के बसौली खुर्द गांव में जमीन में खूंटा गाड़ने को लेकर के एक विवाद हुआ है। दोनों पक्ष अनुसूचित जात से हैं। एक पक्ष ने खूंटा जब गाड़ा तो दूसरे पक्ष को ये एतराज था कि ये हमारी आबादी में बढ़ करके बना रहे, इनकी चेक यहां तक नहीं। इसी आधार पर दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस पहुंची तो एक पक्ष जो वहां एग्रेसिव था, बेलदार लोगों का, वो पक्ष पुलिस के पहुंचने के बाद भी एग्रेसिव हुआ। पुलिस की मौजूदगी में इवन ये कहिए कि पुलिस के खिलाफ भी एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन पीछे से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। एग्रेसिव पक्ष के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। मौके पर स्थिति पूरी तरह शांत है। तत्काल घटना के समय ही प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। वर्तमान समय में कोई तनाव वहां नहीं है, फिर भी पुलिस की सतर्क दृष्टि बनी हुई है।